टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो ने देश भर में ग्राहकों को फ्री कॉलिंग की सुविधा देकर बाकी कंपनियों की नाक में दम कर रखा है। टेलीकॉम कंपनियों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़े नकदी संकट से गुजर रही टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए अब सरकार वॉइस कॉल और डेटा सेवा के लिए एक न्यूनतम चार्ज तय कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रिलायंस जियो की फ्री वॉइस कॉल सेवा खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही बाकी टेलीकॉम कंपनियों को भी वॉइस कॉल और डेटा सेवा का शुल्क बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। टेलीकॉम उद्योग में रिलायंस जियो के आने के बाद कंपनियों में शुल्क को लेकर तनातनी शुरू हो गई थी। एक तरफ सभी टेलीकॉम कंपनियां और दूसरी तरफ रिलायंस जियो। इसी कांटे की टक्कर की वजह से सभी टेलीकॉम कंपनियों का मार्जिन घट गया है। इससे उद्योग नकदी के संकट में फंस गया है। इसके साथ ही पुराने कर्ज और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उद्योग पर भारी भरकम राशि का भुगतान भी करना है। साथ ही अगले साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भी कंपनियों के सामने नकदी जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है। टेलीकॉम उद्योग पर अभी 7 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। टेलीकॉम टॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के नियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को न्यूनतम किराए पर अपनी सिफारिश देने के लिए कहा है। इस टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और डेटा सेवा के लिए एक न्यूनतम किराया निश्चित रूप से रखना होगा। इससे वॉइस और डेटा शुल्क इतना कम नहीं होगा जिससे कंपनियों के लिए कारोबार में बने रहना नामुमकिन हो जाए। बीते 2 साल में डेटा टैरिफ की प्रतिस्पर्धा की वजह से टेलीकॉम क्षेत्र की सभी कंपनियों का बैलेंस बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने कहा था कि अब से ग्राहकों को जियो से दूसरे नेटवर्क में कॉलिंग के लिए IUC टॉपअप रिचार्ज करवाना होगा। अब तक सिर्फ डेटा के लिए रिचार्ज कराना होता था और कॉलिंग और SMS की सेवा फ्री मिलती थी। जियो के इस बयान के बाद कंपनी के ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि IUC यानी इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज किसी एक टेलीकॉम नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग करने पर लगता है। ट्राई की तरफ से तय की गई इस फीस का भुगतान कंपनी को करना पड़ता है। ऐसे में जिस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आउटगोइंग कॉल किए जाते हैं उसे सामने वाले नेटवर्क को IUC फीस देनी पड़ती है। सरकार टेलीकॉम कंपनियों को इस नकदी के संकट से बाहर निकालने के लिए कॉलिंग शुल्क को लागू कर सकती है। अब देखना ये होगा कि सरकार अगर शुल्क बढ़ाने का फैसला लेती है तो इस पर ग्राहक और कंपनियां क्या प्रतिक्रिया देती हैं।